नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपन छागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका बजट कम है, आप एक मिडिल फैमिली से आते हैं और आप एक सुंदर सा मकान का सपना देख रहे हैं, तो आपको ये मॉडल आपके सपने को फुलफिल करने वाला है। आप आसानी से कम बजट में अपना घर बना सकते हैं। जो मैं मॉडल आपको बताने वाला हूँ ये 3.5 से 4 लाख के बीच में परफेक्ट A to Z बनकर रेडी हो जाएगा और ये आपका जो डिजाइन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने स्पेस जो लिया है मात्र 400 स्क्वायर फुट लिया है, 20x20 लिया है। मैंने मेरे चैनल पर एक लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे एक ऐसा डिजाइन दीजिए जो हमारा विद इन 4 लाख कंप्लीट हो जाए विथ फिनिशिंग, तो ये उनके लिए मॉडल है। यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैंने इसको बजट में ध्यान रखते हुए 3.5 से 4 लाख के बीच में, इसीलिए मैंने बोला कि आप इस मकान को बनवा सकते हैं, जिसमें आपको एक बेडरूम, लेट बाथ, स्टेयर्स, किचन और छोटा सा बारंदा देखने को मिलता है, जो कि आपके घर को एक नया लुक देता है। तो पूरे वीडियो को डिस्क्राइब करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप स्मॉल हाउस प्लान को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर या आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिस मॉडल में बात कर रहा था ये पूरा मॉडल होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो इस मॉडल को सिलेक्ट करिएगा, और जैसे कि मैंने आपको बजट बताया आपको वीडियो में 3.5 से 4 लाख में आप इस मॉडल को बनवा सकते हैं। एरिया बहुत ही कम है, 20x20, 20 फीट चौड़ाई, 20 फीट लंबाई, 400 स्क्वायर फीट में ओवरऑल ये मॉडल बना हुआ है। इसी वजह से मैंने बजट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अगर एरिया हम इंक्रीज करते तो जाहिर सी बात बजट बढ़ता, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर थे वो हमें कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा प्लान दीजिए तो 3.5 से 4 लाख के बीच में आसानी से बन जाए। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया। इसमें आपको केवल एक बेडरूम दोस्तों देखने को मिलेगा, किचन मिलेगी, लेट बाथ और स्टेयर्स और एक छोटा सा बारंदा। बात बाकी कुछ भी मैंने क्रिएट नहीं किया है क्योंकि स्पेस नहीं था, बजट को ध्यान में हमें रखकर इस मॉडल को क्रिएट करना था। तो उसी अकॉर्डिंग ये पूरा मॉडल होने वाला है, काफी खूबसूरत मॉडल होने वाला है और इसी को हम डिस्कस करेंगे जो आपको हम अपने वीडियो में बता रहे थे। तो फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट से आप देख सकते हैं एक बारंदे का लुक देखने को मिलता है। इसमें 2 पिलर, ऊपर बीम का डिजाइन जो कि कर्व शेप में आपको दिखता है, यू शेप में देखने को मिलता है। इधर एक बेडरूम है, इस बेडरूम में मैंने दोस्तों एक विंडो दिया है फ्रंट से विथ फ्रेम, आपको दिख रहा होगा। ऊपर बेहतरीन से ग्रिल रेलिंग को दिया है और इधर दोस्तों मैंने अपना लोगो वगैरह भी लगा रखा है, और आसपास आपका स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप घर कहां पर बनवा रहे हैं। इसके बाद आपका फ्रंट में स्टेयर और स्लोप दोनों मिलते हैं, जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको एक बारंदे का डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब हम इस मॉडल की बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ग्राउंड फ्लोर है। आप जैसे ऊपर चलते हैं तो आपको ये मेन डोर है जहां से एंट्री करेंगे। मेन डोर के दोनों साइड आपको विंडो मिलती है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, और इसके बाद इधर साइड में आपको जो बेडरूम मैंने क्रिएट किया उसमें डोर देखने को मिलता है। आप बाहर से मतलब बारंदे से भी अपने घर में एंट्री कर सकते हैं। अब मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाता हूं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो इस बेडरूम में अगर आप बारंदे से एंट्री करते हैं तो यही एक बेडरूम इस मकान में है दोस्तों। पीछे भी स्पेस है बट आप उसे एज अ बेडरूम ट्रीट कर सकते हैं या उसे किचन बना सकते हैं। तो इस बेडरूम से अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने डोर दिया है, और मैं हालांकि गुजारिश यही करूंगा अगर आप बजट अपना घटाना चाहते हैं तो डोर कम से कम लगाएं जो रिक्वायर्ड है। आप एक डोर लगा सकते हैं या तो बहार से या अंदर से, क्योंकि डोर का ऑलरेडी खर्च लगभग 7 से 8 हजार रुपए दोस्तों बढ़ जाता है। तो इस वजह से आप डोर अगर एक कम कर देंगे तो लगभग आपका 7 से 8 हजार रुपए कॉस्ट कम हो जाएगी। और इसके बाद जैसे आप अंदर जाते हैं मेन डोर से तो आपको ये एक एरिया मिलता है। इस एरिया में दोस्तों मैंने ओपन किचन बना दिया है, और इस स्पेस को इस घर को बनाते समय मैंने ये ध्यान रखा था कि आपको लेट बाथ बाहर ही बनवाना पड़ेगा, बट काफी लोग रिक्वायर्ड करते हैं कि मुझे लेट बाथ अंदर ही चाहिए, तो मैंने स्टेयर्स के नीचे बना दिया है। बट आप यहाँ ना बनाए तो ज्यादा वेस्ट रहेगा, आपका कॉस्ट भी कम होगा, और साथ साथ क्योंकि 3.5 लाख दोस्तों आजकल बहुत ही कम बजट होता है, इसको बहुत ही आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ घर बनवाना होगा तभी आप 3.5 से 4 लाख में इस मॉडल को कंप्लीट करवा पाएंगे। तो यहाँ पर आप किचन और स्टेयर्स ही रहने दें, लेट बात आप बाहर बनवा सकते हैं या ये फिर ओवर बजट आपका होता जाएगा मॉडल। तो ये आपको एक बेडरूम और अंदर एक ये आपको डाइनिंग एरिया टाइप का, ड्रॉइंग एरिया टाइप का दिख रहा है। इसी में आपका किचन मैंने क्रिएट कर दिया है, इधर स्टेयर्स और उसी के नीचे लेट बात बना दिया है अगर आपको रिक्वायर्ड है। तो ये ओवरऑल ग्राउंड
ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों मैंने ये बीम जो बना है इसका देखिएगा डिजाइन कुछ यू शेप में दिया है और ऊपर आपका चारों तरफ ये डिजाइन आपको देखने को मिलता है इस मॉडल का, जो कि 20x20 में 20 फ्रंट है, 20 फीट चौड़ाई है, 20 फीट इसकी गहराई इस मॉडल की होने वाली है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो आपको 3 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ और फ्रंट में बेहतरीन सा ग्रिल का डिजाइन दिया है। आप ग्रिल दोस्तों आयरन का ही लगवाएं, लोहे का, क्योंकि स्टील आपको महंगा पड़ेगा, बजट फिर से आपका इंक्रीज होगा। और ऊपर मैंने ये गुमटी बना दी है दोस्तों, जिसे टावर बोलते हैं, जो कि स्टेयर्स को ढकेगा और आप उस पर डोर भी दे दिए, जैसे आप छत पर आ सकते हैं और इस गुमटी पर छत भी बना दिए पर साथ में पानी वगैरह ना जाए। तो ये ओवरऑल मॉडल 3.5 से 4 लाख के बीच में बनकर रेडी होगा, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि आपको घर को बनवाते समय बहुत ही वेल प्लान्ड होना पड़ेगा सारी चीजें। अगर आप गहराई ज्यादा नीचे बनाते हैं तो अपना बजट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है मकान आप ऐसा बनाए जो जैसा आपका बजट है। तो इस मॉडल बना सकते हैं 3.5 से 4.5 लाख के बीच में या 4 लाख के बीच में, बट कुछ प्लानिंग आपको करनी होगी घर बनवाने से पहले। अगर आप प्लानिंग भी करना चाहते हो तो आप अपनी वेबसाइट smallhouseplan.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कम बजट में घर बना सकते हैं सारे स्टेप्स क्लियर किए हैं। तो आप आसानी से उस पोस्ट को पढ़ लें, वहां पर आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी कि आप कम खर्चे में कम रुपए में आप घर कैसे बनवाएं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पेड सर्विस भी दोस्तों चलाता हूं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता रहता हूं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो कि व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपकी बात के आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा, आपसे बात करूंगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करने की मैं कोशिश करता हूं और आपको एक लो बजट और बेहतरीन डिजाइन के साथ घर बनाकर देता हूं। वीडियो अगर आपको हमारा ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। 2D प्लान डाउनलोड करने के लिए आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान वेबसाइट पर जाकर विजिट करें, इससे आपको सारे डिटेल वहां पर मिल जाए। मैं वहां पर दोस्तों घर से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी देता रहता हूं, जैसे कि घर को बनवाने में कितना पैसा लगेगा, कैसे घर बनवाना चाहिए, उसका फिनिशिंग कैसे करना चाहिए, सारा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।